आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का मैथ के पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 2018 में हुआ था। तो उसके चार सेक्शन थे, ए बी सी डी। तो हम चारों सेक्शन को सॉल्व कराएंगे। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले मैथ के सॉल्यूशन की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सेक्शन ए भी करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, शेयर जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने आपको लिंक दे दी है नीचे, तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लें। तो आप देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो आप देखिए, मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। तो कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23। तो आपको पता है कि आपको या तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है या फिर एक, दोनों में से एक कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो आप देखिए, हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करता हूँ या फिर मैं साइन को ले लेता हूँ, तो मैं कॉस को ऐसे ही रख दूंगा यहाँ पर सेम टू सेम। तो आप देखिए, साइन जो है आपका वो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। साइन स्क्वायर क्या दिया हुआ है? थीटा। साइन स्क्वायर 23 दिया हुआ है। तो मैं साइन 90 में से कितनी वैल्यू कम करूं, जिससे कि कितनी वैल्यू माइनस करूं जिससे कि 27 आ जाए। तो मैं 67 जब माइनस करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 23। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो साइन 90 माइनस 67। तो आप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है आपका? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे आपका 67 दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर पे स्क्वायर भी लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67। आप देखिए, ये दोनों सेम है, ए प्लस का ये माइनस का, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एपी इफ द कॉमन डिफरेंट डी, मतलब डिफरेंस जो दिया है डी दिया है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, ए एन ए प्लस फर्स्ट टर्म होता है ए एन, जो टर्म दिया हुआ तो वो टर्म लिखते हैं, जो सब पद होता है मतलब माइनस वन, और यहाँ होता है डी। तो आपको पता है कि डी जो दिया हुआ है वो माइनस का फोर दिया हुआ है, ए आपसे पूछा है, और ए एन दिया हुआ है सेवन सॉरी फोर दिया हुआ है, और एन मतलब टर्म दिया हुआ है आपका सेवन, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को। तो आप देखिए, तो इस जगह कितना रहेगा आपका 4 a प्लस n कितना 7 माइनस 1, d कितना माइनस का 4। तो 4 इक्वल हो जाएगा a प्लस 6 बचा यहाँ पे इनटू माइनस का 4, तो 4 बराबर a माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई तो माइनस कितना हो जाएगा 24। 24 के बाद देखिए, ये धरा के प्लस का हो जाएगा, मतलब a बराबर हो जाएगा 24 प्लस का 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 28। तो इसका जो पहला टर्म है वो कितना है 28। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इफ द AB अपॉन PQ। तो ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ये ले लेता हूं मैं ABC और एक ले लेता हूं आपका PQR, ठीक, इन दोनों की बात कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो आप देखिए जो होता है ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, तो दूसरा दिया हुआ है पी क्यू आर। आगे देखिए, ऊपर हो जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा आपका ए बी और नीचे आएगा पी क्यू, ये होता है आपका स्क्वायर। तो आप देखिए, इनकी जो वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है आपकी, इनको ऐसे सेम लिख लेंगे। आप देखिए, इसकी वैल्यू वन, इसकी थ्री, वन और थ्री स्क्वायर लगाएंगे तो वन का वन और थ्री का नाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? वन अपॉन नाइन। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा इसका, तो आप देख लीजिए। पहले मैं लिखता हूं यहां स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहले मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। आप सब जानते हो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4। अब क्या पूछा है इसका, एचसीएफ पूछा है, तो आप एचसीएफ आराम से निकालना जानते हो, तो आप देखिए 2 का 4 में 2 टाइम गया, कितनी टाइम गया 2 टाइम गया, और यहाँ पे 4 आ गया आपका, तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 बच जाता है, या फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 2 का 2 1 टाइम, और 4 का निकालेंगे तो 2 या 4 और 1 टाइम, 2 ओनली मैच हो रहा है आपका, तो क्या होगा इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा आपका 2। आपका मैथ का पेपर बहुत ही सिंपल आता है, इतनी टेंशन ना लें, आराम से हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई। मैं कहता हूँ कि आपसे एक लाइन है, मैं कहता हूँ आपसे एक लाइन है, लाइन पर जो पी यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे एक्स और वाई उसके पॉइंट दिए हुए हैं, बट पहला नहीं है, तो आप पहला 0.0 फाइंड कर सकते हैं, पी और क्यू मान लीजिए, इसको उल्टा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। आप देखिए मैं आपसे कहूँ कि ये आपका एक्स वन, ये आपका वाई वन, ये आपका एक्स टू और ये आपका वाई टू, तो मैं कहता हूँ कि आप देखिए यहाँ एक्स टू आपका कितना है एक्स, माइनस एक्स वन कितना है आपका 0 स्क्वायर करेंगे प्लस, आप देखिए नेक्स्ट एक्स वाई टू कितना दिया हुआ आपका वाई, और वाई वन दिया हुआ है 0 स्क्वायर करेंगे, तो आप देखिए आगे तो एक्स में 0 माइनस हुआ तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई में 0 माइनस हुआ तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आप देखिए क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एक्स बराबर दिया हुआ है आपका 3, एक्स बराबर कितना दिया हुआ है आपका 3, आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको सिंपल सी बात है, सेक्शन ए में तो सिंपल क्वेश्चन आए हैं, तो एक्स बराबर 3 रख सकते, 3 रख दीजिए आप, तो एक्स की जो वैल्यू है सेक्शन ए में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, तो आपको केवल एक्स बराबर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k यहाँ पे मल्टीपल में 3 आ जाएगा माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 0, तो 3 का 9 माइनस 6k हो जाएगा माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 0। तो आगे देखिए माइनस के 9 प्लस के और माइनस का 6 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6k इक्वल 0 हो जाएगा, तो ये उधर जाकर वैल्यू माइनस की हो जाएगी या इधर पहुँचा दी ये वाली प्लस की हो जाती, तो माइनस 6k इक्वल हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस क्रॉस होगा तो k बराबर आ जाएगा 3/6, तो 1 टाइम 3 से और 3 से 2 टाइम, तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, तो आपका आंसर क्या जाएगा। उसी के साथ हम सेक्शन ए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करें क्योंकि सेक्शन बी हम उसमें बनाएंगे और आपको कल परसों में वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी के साथ धन्यवाद।